अभी एक टीवी के कंप्लेंट पर ये मरोना के पास गणेशपुर है वहीं जा रहे हैं, टीवी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो जब से ये प्रॉब्लम सुने हैं तो दुइये गो चीज़ माइंड में इमेजिन कर रहे हैं कि तो पहले जाके तो सबसे पहले एडाप्टर चेक करेंगे, आ एडाप्टर ठीक हुआ तो उसका पीसी भी पेंडिंग करेंगे। आ इससे ज़्यादा उम्मीदों मत रखिए हमसे, कहे कि दो गो चीज़ के अलावा और कुछ होता भी नहीं है टीवी के मामले में। चलिए चलकर देखते हैं कि आखिर क्या है प्रॉब्लम उसके अंदर। ये टीवी है देखिए रिसर का, देखिए से लग रहा है कि काफ़ी पुराना है, यही रिमोट गिरा दिए थे, बचा कि ठीक है। हाँ फ्लैश जल रहा है, यो सोचेगा कि साला काम करने आया कि हमारा नुकसान करने आया है। देखिए ललका बल्ब जल रहा है ना, दो बेर जला, ये का रिमोट, रिमोट से टिप के दिखा देते, देखिए रिमोटों से साला सेंस कर रहा है, देख रहे हैं रिमोट से भी वहाँ सेंस हो रहा है। नीचे से एक बार टिप के देखते हैं, देखिए देखिए टिपे तो यो काम कर रहा है, मैंने बटमो एक जो नीचे से टिप रहे तो काम कर रहा है। एक उतार के चौकी पे रख लिए हैं, खोल के एक बार झाड़ फूक करके लगा के सेट करके फिर देखते हैं कहीं चल जाए तो चल जाए। सब जेक में फूक फाक करके इधर से देखिए लाइट दिए लेकिन नहीं आया स्क्रीन पर, नहीं हो पाया। इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हम पूछे हैं तो ये कह रहे हैं कि पहले जो है ना स्क्रीन का सब कुछ लाइट गायब हो गया था, उसके बाद आवाज़ आ रहा था लेकिन रिमोट से जब बटन छेड़छाड़ किया ना उसके बाद आवाज़ वो गायब हो गया। तो एक्चुअल इसके अंदर हम प्रॉब्लम बताए कि क्या है, इसका जो है ना डिस्प्ले, स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो ख़राब है। इनका ये पीसीबी मदरबोर्ड जो है वो ठीक ही है, काहे कि पहले तो डिस्प्ले का लाइट भागा ना, साउंड तो पहले ऑपरेट हो ही रहा था, बजिए रहा था, वो रिमोट से टिप टाप करने के बाद जो है साउंडों को गायब कर दिया, तो इनका डिस्प्ले ही ख़राब है। जैसे था वैसे पैक पुक कर दिए, काहे कि बनवाएंगे नहीं, इतना पुराना है मैं डिस्प्ले लगाएंगे उससे बढ़िया नया टीवी नहीं लेगा।